Good morning, all of you. Good morning. So today we will do our third chapter of Rajasthan studies. What is the name of the chapter? Creation of Modern Rajasthan. That means we are going to study the story of the Rajasthan during 1946 or 47. Right? What we are talking about? Creation. What we are talking? Creation. मतलब इंडिपेंडेंस के आसपास का है, जब कुछ होने जा रहा था हमारे राजस्थान के अंदर. क्या होने जा रहा था उसको हम कहेंगे यूनिफिकेशन. क्या कहेंगे? यूनिफिकेशन. क्या कहेंगे? यूनिफिकेशन मतलब किसी ना किसी का किसी के साथ कोई मर्जर हो रहा है. चलिए, सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर. द बैकड्रॉप, द ज्योग्राफिकल एंड द पॉलिटिकल स्टेट ऑफ राजस्थान दैट वी सी टुडे इज द रिजल्ट ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट्स टू इंटीग्रेट द नेटिव स्टेट and the principalities. Now what we are going to do? हम क्या करने जा रहे हैं? हम integrate करने जा रहे हैं native states को, combine करने जा रहे हैं. Integrate करना मतलब एक के अंदर एक, merge करने जा रहे हैं. The idea of unification of Rajasthan, भाई हमारे अगर हम states की बात करें तो ये कैसे आए कि एक नाम क्यों दिया गया? किसी को राजस्थान दिया गया, किसी को MP दिया गया, किसी को यूपी दिया गया. कैसे दिया गया? जब हमने इनको मर्ज किया, यूनिफाइड किया, इंटीग्रेट किया, राइट? तभी तो हमने इसको नाम दिया राजस्थान. नहीं तो कैसे आता? आज जयपुर अलग होता, कोटा अलग होता, बूंदी अलग होता, लेकिन ऐसा नहीं है. द आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान बिगेन टू टेक रूट इन 1939 आफ्टर वाइसराय लॉर्ड लिविंगथम्स डायरेक्टिव. The All India Native States Service Council passed the resolution deciding that those princely states पता है आपको क्या होता है? What is मेरा princely state? ऐसे states जहाँ पर already कौन है? Prince. जहाँ पर already prince है, जो अपना empire regulate कर रहे हैं, वो administration कर रहे हैं. And principalities with an annual income of less than 50 lakh and a population less than 20 lakh should be integrated into the neighboring large state. इन्होंने क्या decide किया 1939 में? Lord Viceroy ने क्या बोला? ऐसे state या ऐसे princely state जहाँ पे prince तो nominated है, लेकिन condition क्या है? उस जगह की income कितनी होनी चाहिए? Less than 50 lakh. जिसकी annual income कितनी है? Less than 50 lakh. और पॉपुलेशन कितनी है? लेस देन 20 लाख. शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द नेबरिंग स्टेट. ऐसे स्टेट जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख से कम है, पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, उनको पास वाले प्रिंसली स्टेट जो बड़ा है उसके साथ मर्ज कर दिया जाएगा. आगे बात समझ में? आगे क्या बात समझ में? अगर ऐसे हम अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेके चलते तो ऐसे तो बहुत सारे स्टेट हो जाते थे ना. पहले हमारे इंडिपेंडेंस से पहले करीब 500 स्टेट्स थे हमारे. हाँ, कितने थे? 500 स्टेट्स थे. क्योंकि सबके अपने अपने प्रिंसली स्टेट थे, सबके अपने अपने राजा थे, सब अपना अपना रेगुलेशन चलते थे, राइट? लेकिन अब क्या कर दिया, क्या कंडीशन लगाई उन्होंने? ऐसे स्टेट जहाँ पे प्रिंस है, प्रिंसली स्टेट है, लेकिन जिसकी एनुअल इनकम लेस देन 50 लाख है एंड द पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, उनको किसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा? नेबरिंग लार्ज स्टेट्स के साथ. क्लियर हो गई बात? क्लियर है? बाय द मेमोरेंडम ऑफ मे 22, 1946 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टेड द प्रिंसली स्टेट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. अब एक मेमोरेंडम पास किया गया. कब पास किया गया? 22 मई 1946 में. क्या बोला गया उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में? कि ये जो प्रिंसली स्टेट हैं जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख से कम है और पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वो अपना इंटीग्रेशन का प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म करे. दिस प्रोसेस वाज इन प्रोग्रेस व्हेन आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट. कब तक चल रहा था ये प्रोग्रेस? जब हमारा देश आजाद होने जा रहा था. मतलब कब की बात कर रहे हैं हम? 1946 की. ऑन अगस्त 1547 उन्होंने क्या बोला कि अब हमारा देश आजाद होने वाला है, अब आप इंडिविजुअल होने जा रहे हो, तो आप अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट करें जिससे आपको ही आसानी रहेगी. द इंडियन गवर्नमेंट गेव प्रायोरिटी टू द इंटीग्रेशन प्रोसेस एंड एक्सेलरेटेड इट फर्दर. आगे बात समझ में? सिर्फ राजस्थान नहीं,
नहीं ही नहीं और दूसरे स्टेट ने भी अपना इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ राजस्थान के बारे में। इसलिए हमारी बुक में किसका इंटीग्रेशन बताएंगे? सिर्फ राजस्थान। ये और जगह भी हुआ था। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अकॉर्डिंग टू द एस्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली दूज नेटिव स्टेट को रिटेन देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हूज मिनिमम एनुअल इनकम वाज 1 करोड़। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट को अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना है, इफ यू वॉन्ट टू डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, देयर वॉज अ कंडीशन। वॉट वॉज अ कंडीशन? कंडीशन वॉज दैट देयर एनुअल इनकम शुड बी मोर देन 1 करोड़। वॉट वॉज द कंडीशन? Their annual income must be 1 crore and the population was 10 lakh or above. कितनी population होनी चाहिए? 10 lakh या 10 lakh से ज्यादा। But what was the condition? Their annual income should be 1 crore. And what was the condition in the previous state? Annual income less than 50 lakh and population less than 20 lakh. यहाँ पे पॉपुलेशन उससे भी कम है लेकिन एनुअल इनकम ज्यादा होनी चाहिए। जिस स्टेट की एनुअल इनकम ज्यादा होगी उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? आ गई बात समझ में? ओनली द स्टेट्स ऑफ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर कुड डस कीप देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया विच स्टेट्स आर विच सिटीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर। हाउएवर द पीपल्स ऑफ दी स्टेट वांटेड टू इंटीग्रेट इनटू यूनिफाइड राजस्थान। हालांकि यहाँ के कुछ लोग राजस्थान के यूनिफाइड में, यूनिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे, आपको समझाऊंगी मैं कि यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान क्या था, उसके अंदर मर्ज होना चाह रहे थे। The Praja Mandals led the people and some rulers of the native states also supported the idea of unification. अब हम unification की बात करते हैं कि राजस्थान पूरा एक unified कैसा हुआ। इसके अंदर 19 native princely states हैं। कितने हैं? 19। पहले कितने थे? 19 हुए, फिर 33 हो गए और अब कितने हो गए? 53। कितने हो गए अब? 53। अब आप कहेंगे कि मैम इनको नेटिव प्रिंसली स्टेट क्यों कहा जाता है? हर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, सब में राजा थे, सबका एडमिनिस्ट्रेशन था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेटिव प्रिंसली स्टेट। सब अपना इंडिपेंडेंट रेगुलेट कर रहे हैं। कमान एक के हाथ नहीं है, मुस्लिम के हाथ में, राइट? लेकिन सबकी जगह की अपनी अपनी आइडेंटिटी। We will read the Rajasthan before unification. Unified होने से पहले राजस्थान की क्या कंडीशन थी वो हम रीड करेंगे। There were 19 native princely state in Rajasthan before its unification. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर एंड किशनगढ़। There were 3 ठिकानास principalities, कुशलगढ़, लावा एंड द नीमराना एंड वन सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन दैट इज अजमेर। पहले कितने थे हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स? 19। ये उनके नेम दे दिए हैं हमें पूरे, राइट? द फर्स्ट स्टैंड एट यूनिफिकेशन वॉज मेड बाय महाराव भीम सिंह। फर्स्ट यूनिफिकेशन किसने स्टार्ट किया था? महाराव भीम सिंह ने। कहाँ के थे ये? कोटा स्टेट के। मतलब हमारा यूनिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कोटा से। चलिए, टेकिंग द इनिशिएटिव फर्दर, द मेवाड़ महाराणा कन्वेंट ए कॉन्फ्रेंस ऑफ सम रूलर्स फ्रॉम राजस्थान, गुजरात एंड मालवा एट उदयपुर ऑन June 25th, 26th, 1946। स्टार्टिंग कहाँ से हुई यूनिफिकेशन की? कोटा से। कहाँ से स्टार्ट हुई? कोटा से। उसको आगे कंटिन्यू कौन लेके गए? मेवाड़ के राजा महाराणा कौन थे? महाराणा भीमराव तो कोटा के थे। उसके बाद मेवाड़ के महाराणा जी ने क्या किया? राजस्थान, गुजरात और मालवास के राजाओं को बुलाकर क्या किया? एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी। कहाँ पे कंडक्ट करी? मेवाड़ में। किस किस सॉरी उदयपुर में। कहाँ कब? कौन कौन सी डेट को? 25 को और 26 को।
कि किस लिए बुलाया गया है? यूनिफिकेशन के लिए, जो राजस्थान की बॉर्डर से अटैच था। क्या गुजरात अटैच नहीं है? क्या मेवाड़ मतलब एमपी अटैच नहीं है? है। तो किसको हमें अंडर में लेना है और किसको हमें अंडर में नहीं लेना है, इसके लिए बात करने के लिए महाराजा ने उनको क्या किया? इनवाइट किया। क्लियर हो गई बात? भाई बात ये आती है कि हम राजस्थान के यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं मैम, तो गुजरात और मालवास को बुलाने का क्या मतलब है? गुजरात और मालवास को बुलाने का ये रीजन था कि हमारी राजस्थान की बॉर्डर से गुजरात भी अटैच है और मालवास दैट इज एमपी वो भी अटैच है। तो किसको हमें यूनिफाइड करना है, किसको इंटीग्रेट करना है और किसको हमें इंडिपेंडेंट छोड़ देना है, या किसे हमें मालवास में एंटर होना है और किसको हमें गुजरात में एंटर होने देना है। आ गई बात समझ में? आ गई? तो हमें जो बॉर्डर से अटैच हो रहे हैं उनके लिए तो हमें बात करनी पड़ेगी दूसरे राज्यों से कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई उदयपुर में। कहां बुलाई? उदयपुर। सिमिलर कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वेंड बाय रूलर ऑफ जयपुर, बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, बट दीज वर फॉर एंड इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड दस इंक्लूसिव। अब उन्होंने क्या किया, सेम इसी तरह की कॉन्फ्रेंस कहां पे भी बुलाई गई? जयपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़। लेकिन वो ऐसे यूनिफाइड यूनिफिकेशन के लिए नहीं बुलाई थी, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरफेरेंस के लिए बुलाई थी कि हमें किसको कैसे रेगुलेट या एडमिनिस्ट्रेशन करना है। आगे बात समझ में आ गया? भाई इनको तो जयपुर को तो इंडिपेंडेंट कर दिया था ना उन्होंने, कर दिया था। कोटा को इंडिपेंडेंट कर दिया था। अब इनको किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी रेगुलेट करनी है, इसके लिए इन्होंने मीटिंग करी थी। हो गई बात? Organizations directly related to the people also remained active in the unification process, and notable among these were the efforts of the Rajya Praja Parishad, that is State Subject Council, the Praja Mandals, to integrate a unified Rajasthan within the Indian Union. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Organization directly related to the people also remained active in the unification process. जो इन्होंने क्या करा? Organization बनाई। क्या करी इन्होंने? Organization बनाई। Organization में लोग क्या कर रहे थे? एक्टिव थे, काम कर रहे थे। किसके लिए? कहते ना एक उमंग थी, एक हम एक्साइटेड थे। किसको लेके? कि एक हमारा नाम हमें मिलने जा रहा है, हम सारे प्रिंसली स्टेट कंबाइंड होके यूनिफाइड होने जा रहे हैं और हमें क्या नाम दिया जा रहा है? राजस्थान। क्या नाम दिया जा रहा है? राजस्थान। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग थे वो सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। Notable among these were the efforts of the Rajya Praja Parishad. हालांकि ये efforts किसके थे? राज्य सभा परिषद के। क्या कहलाता है वो? State Subject Councils. क्या कहलाता है? State Subject Council, who is responsible for doing all the efforts. And Praja Mandals to integrate a unified Rajasthan within the Indian Union. एक इंडिया में ही वो क्या करने जा रहे थे? किसको यूनिफाइड करने जा रहे थे? राजस्थान को। किसको यूनिफाइड करने जा रहे थे? राजस्थान को। अब क्या क्या फेजेस थी यूनिफिकेशन की? क्या क्या फेजेस थी यूनिफिकेशन की? द यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड अ चैलेंजिंग प्रोसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब ये चैलेंजिंग कैसे रहा? किसी स्टेट को यूनिफाइड करना, उसमें 19 प्रिंसली नेटिव स्टेट्स को कंबाइन करना, क्या ये इजी टास्क रहा होगा? नहीं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चैलेंजेस है? इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रिंग वेरियस नेटिव स्टेट्स एंड देयर प्रिंसिपैलिटीज अंडर अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर सभी प्रिंसली स्टेट्स को लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा टास्क था। एज दे हैड वेरिंग पॉपुलेशन, सब जगह पॉपुलेशन अलग अलग थी, सेम पॉपुलेशन कहीं नहीं थी। सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम फॉर सेंचुरीज। इतने सालों से उनके कस्टम अलग थे, उनके ट्रेडिशन अलग था, उनकी इकोनॉमी अलग थी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग था। अब सब क्या होने जा रहा है? एक होने जा रहा है, यूनिफाइड होने जा रहा है। अब सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्मली एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। तो ये क्या है? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Some states had a traditional governance system while others had the modern governance ideas incorporated in their administration. पहले जब ये सिंगल सिंगल थे, इंडिपेंडेंट थे, तो कहीं पे तो क्या चल रहा था? ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था।
और कहीं पे मॉडर्न सिस्टम चल रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगी, एक यूनिफॉर्म गवर्नेंस होगी जिसको सभी को फॉलो करना होगा। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द राजस्थान वॉज फाइनली कम्प्लीटेड सक्सेसफुली इन नवम्बर 1956। कब कम्प्लीट हुआ ये? नवम्बर 1956। ये आपका वन मार्क का क्वेश्चन बन गया है। एंड मॉडर्न राजस्थान वॉज क्रिएटेड, कब बन गया मॉडर्न राजस्थान? नवम्बर 1956। तो लेकिन हमारे राजस्थान का जो स्थापना दिवस है मेनली जो हम बनाते हैं वो कब बनाते हैं? 30th of March। वो कैसे क्यों वो मैं भी आप बताऊंगी। राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of March। दिस वॉज डन इन द 7 सक्सेसिव फेज दैट आर गिवन बिलो। अब किसको किसके साथ मर्ज किया गया, किसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया, ये हम किस फेसेस में पढ़ेंगे? हमारे 6 फेजेस में पढ़ेंगे, किस 7 फेजेस में, किस पे पढ़ेंगे? 7 फेजेस में। ये आपको याद करने ही करने हैं। फर्स्ट हमारा एक बना, फर्स्ट स्टेट का नाम क्या दिया गया? मत्स्य यूनियन। क्या नेम दिया गया? मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन का क्या डेट था? 18th of March 1948। व्हाट वाज द डेट ऑफ मत्स्य यूनियन? 18th of March 1948। इसमें किस किस का यूनिफिकेशन हुआ था? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। देखिए अलवर, धौलपुर, भरतपुर एंड करौली ये इंटीग्रेटेड हो गए, क्या बन गया ये? मत्स्य यूनियन। इसमें कैपिटल किसको बनाया गया है इनका? अलवर को। और धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह वॉज मेड इट्स प्रेसिडेंट। हु वॉज द प्रेसिडेंट? महाराजा उदय भान सिंह। हु वॉज द प्रेसिडेंट? एंड शोभा राम कुवावत वॉज इट्स प्राइम मिनिस्टर। बच्चा अब इसको याद करने का तरीका, याद भी तो करना है। मत्स्य यूनियन कब फॉर्म हुई? 18 मार्च 1948। कौन कौन से प्रिंसिपल स्टेट्स थे इसके अंदर? 80 BK याद कर लोगे? 80 BK ए क्या याद करना है? ए बी बी के हो जाएगा, ADBK। मत्स्य यूनियन 18 मार्च 1948, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। क्लियर? ADBK, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। क्या बना? मत्स्य यूनियन। क्या बना? मत्स्य यूनियन। किसकी कौन बना कैपिटल? अलवर। कैपिटल कौन था? अलवर। और प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? महाराजा उदय भान सिंह। किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया? अब देखिए ये जो अलग अलग यूनियंस बनी हैं इसमें भी हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं। क्या आज ऐसा है? अगर ऐसा होता तो फिर कैसे काम चलता? सोचो, पॉसिबल है इस तरह से बनाना? लेकिन उस वक्त हम सभी को एक साथ यूनिफाइड नहीं कर सकते। ये हुआ बहुत लेट 30th of March को। अभी तो 30th of November 1956 में ये सब कुछ हो गया था, हुआ ना? ये अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, कब हो गया था? नवंबर 1956 में हो गया था ये सब कुछ। अतः हमने अलग अलग जगहों को एक साथ मर्ज करके किसको किसी का कैपिटल बनाया और वहां राजा महाराजाओं को देखते हुए किसी को प्राइम मिनिस्टर और किसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। तो ये एक स्टेट बन गया मत्स्य यूनियन। क्या बना? चलिए बोलिए, मत्स्य यूनियन फॉर्मुलेशन। 18 मार्च 1948। कौन कौन मर्ज हुआ? ADBK। कौन हुआ? ADBK। कैपिटल किसको बनाया? प्रेसिडेंट कौन थे? महाराजा उदय भान सिंह। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शोभा राम कुमावत। हो गया याद? आगे चलें। नेक्स्ट, अब क्या बनेगा? ईस्टर्न राजस्थान। क्या बनेगा? ईस्टर्न राजस्थान। कब बनाइए? 25th of March 1948।
इसमें कौन कौन आया? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़। 2 मिनट। झालावाड़ हो गया, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, राइट। और 3 ठिकाना तो आप याद कर ही लेने, लावा, कुशलगढ़, ठिकाना, ठीक है, ये याद कर लेना। प्रेसिडेंट कौन थे? कोटा महाराव भीम सिंह। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गोकुल लाल असावा, ठीक है। अब इसको याद करो, कौन थे? बी बी के बी जे डी डी पी के एस हो जाएगा, बी के बी जे टी डी पी के एस। इसके शॉर्ट फॉर्म से याद कर लोगे, बड़ा इजी याद हो जाएगा। फर्स्ट वाले का एडीपीके था, वो मात्स्य यूनियन था। ये ईस्टर्न राजस्थान पढ़ रहे, ईस्टर्न राजस्थान में किस किस का इंटीग्रेट हुआ? बीकेबी, जेटीपीके और पीकेएस। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये ठिकाना है। ठिकाना तो आपको याद करने हैं। एल इज लावा, कुशलगढ़, एल के लावा एंड कुशलगढ़ कर लो, इसको भी याद कर लो लोग, के एस एल के, ठीक है, हो जाएगा। बी के बी जे डी पी जे टी डी पी के एस एल के हो जाएगा एट द बैक साइड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईस्टर्न राजस्थान के बारे में। कब मर्ज हुआ था ये? 28th of March 1948। अब यहाँ प्रेसिडेंट कौन थे? कोटा के क्या नाम था? महाराव भीम सिंह। प्रेसिडेंट कौन थे? कौन थे? गोकुल लाल असावा। सो क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पीरियड, ओके। इट इज आवर फर्स्ट पार्ट, we will continue next in the next session.